तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 4 इंची की दीवार है उसमें 8 इंची का पिलर कैसे दें। यह जो दीवार दिख रही है दोस्तों आपको, इसके ऊपर 4 इंची की दीवार खड़ी करना है और इसमें मजबूती के लिए 8 इंची का पिलर देना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। अब ये बीम के ऊपर मसाले को एकदम लेवल में बिछाएं। लेवल में बिछाने के बाद ईंट को रखें और ये हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ भी 8 इंची का पिलर दे रहे हो वहाँ पे शुरू स्टार्टिंग में दीवार के मुँह पे पोना रखें। ये पोना काट लिया मैंने, पोना रख रहा हूँ। पोने को अच्छे से जमा लें, फिर उसको बाद में सूत में मिलाएंगे। फिर उसके बाद एक उसके सामने खड़ी ईंट रखें। अब दोस्तों यहाँ पे कोई गलती नहीं करना है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। यह जो पोना है यहाँ पे पोना ही रखें। ये देखिए, अगर यहाँ पे अद्दा रखा तो पिलर के जॉइंट नहीं कटेंगे, और अगर 8 इंची पिलर अपन दे रहे हैं तो उसमें जॉइंट कटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर अगले रद्दे में ऐसी ईंट रखेंगे और उसका जॉइंट भी कट जाएगा। फिर इसको सूत में मिला ले। ये दीवार को पूरी जोड़ दें, एक रद्दा लगा देते हैं। उसके बाद में फिर इसके ऊपर जब दूसरा रद्दा लगाएंगे फिर हम देखेंगे कि इसके ऊपर कैसे ईंट रखना है। दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अक्सर जो नए नए राजमिस्त्री होते हैं वह यह गलती कर देते हैं कि जो 4 इंची में जो 8 इंची का पिलर देते हैं उसमें जॉइंट नहीं कटते। ये पिलर हमने बना दिया है, अब इसका पोना जो है उसको अच्छा जमा दूँ मैं। फिर इसके जॉइंट भर के इसका पूरा एक रद्दा लगाऊंगा 4 इंची में। इसके ऊपर सूत बांध देता हूँ। तो दोस्तों ये एक स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। पोना जमा दिया है, ईंट जमा दी है, एक रद्दा लगा दिया है, सारे जॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर बहुत ध्यान से देखना इसके जॉइंट कैसे काटेंगे हम। इसके ऊपर मोटार बिछा दें, मोटार की हाइट ज़्यादा ना ले, आधा इंची के समथिंग मोटार होना ये कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके ऊपर एक आईडी पोने के ऊपर और खड़ी ईट के ऊपर एक आईडी ईट रखें। उसके बाद में
ये ऐसे हीटर है, दोनों एक जैसे हीटर रख दें तो आप देखेंगे पीछे से उसका जॉइंट कट जाएगा। मैं अब उसको पीछे से नहीं दिखा पाऊंगा दोस्तों, फिर वही जो 4 इंची दीवार में सीधा रद्दा जैसा लगाते हैं वैसा का वैसा लगा। ये आईडी हीट रख दी है और उधर जो पीछे जो नीचे पोना रखा था वैसा का वैसा पोना फिर रखे। तो दोस्तों ईंटें पुरानी होने के कारण उसमें साफ सफाई करना पड़ती है। ये जो ईंट है उसके पीछे ये पोना रख दिया, पोने को अच्छे से जमा ले, फिर ये जो ईंट है उसको सीधी 4 इंची दीवार के ऊपर रख दे। अगर पोना पड़ा है तो उसे करने से काट कर साइज मेंटेन रखें, नहीं तो उसका जॉइंट नहीं कट पाएगा। और लेवल का विशेष ध्यान रखें। ये ध्यान रखें कि ये जो पिलर है इसके चारों तरफ से साहूल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पिलर एकदम सीध में नहीं जा पाएगा। साहूल इसकी एकदम बारीक देखना चाहिए और चारों तरफ इसकी साहूल करना बहुत ज़रूरी रहती है। इसके जॉइंट वगैरह सब भर के पिलर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों 8 इंची पिलर कैसा जोड़ते हैं
इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। जय हिंद।